अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जाएंगे डोरा केक्स। डोरा केक्स हम पैन केक्स की मदद से बनाएंगे, तो चलें जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में आप दो अंडे ले लें। इसके बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून चीनी का, 2 टीस्पून हनी के यानी शहद, और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट का। इसको आपने तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये फ्लफी सा ना हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप मैदा और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का। इसको इस तरह से छान लें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये थिक होना चाहिए, जिस तरह ये थिक होगा तो ही हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी का डालेंगे। ये देखें, अब हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हुई है, ना बिल्कुल थिक है और ना ज़्यादा ही पतला है। तो यही हमें चाहिए था, सेम इस तरह की ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लें और एक सूप वाला जो चम्मच होता है बेशक वो ले लें, या कोई सा भी गहरा चम्मच हो उससे एक स्कूप आप इसके अंदर डालें। और जब तक बबल्स नहीं अपेयर होते आप इसकी साइड ना चेंज करें। लोएस्ट फ्लेम पे आपने इसको रख के पकाना है। तकरीबन 2.5 मिनट आपने एक साइड को देने और दूसरी साइड को तकरीबन 1.5 मिनट देना है। ये देखें, मज़ेदार से पैनकेक्स तैयार हैं। मैं इस तरह से 2 पैनकेक्स तैयार कर लूँगी, सेम यही तरीका है। ये बहुत आसान है, आप देख लें कितने परफेक्ट से तैयार हुए हैं। अब हम जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है या न्यूटेला है, या अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रेड पड़ा हुआ है आप वो ले लें और साइडों से इसको अच्छे से बंद कर लें। ये देखें, मज़ेदार से फ्लफ़ी से पैनकेक्स या डोरा केक्स तैयार हैं। आप देखें इंतहाई मज़ेदार लग रहे हैं, शक्ल से ही ये बहुत फ्लफ़ी सॉफ्ट से बने थे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।